हेलो, आवाज आ रही सभी को? हाँ सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था एंड उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने तुम्हें CH4 तक करा दिया था, SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया था। नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे PCl5। तो PCl5 जो है, अब इसमें फास्फोरस जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस सेल का CH2 3P3। ठीक है, तो फॉस्फोरस का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 3S2 3P3 एंड इसका जो 3D है वो खाली पड़ा है। तो जब PCl5 बना तो यहां पर क्या हुआ, फॉस्फोरस जो है इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया। हमारे पास पहले ग्राउंड स्टेट था, देन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन हुआ एंड 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, 3d में।
ओके सो ये हमारे पास अभी देखो क्या था, फाइव बॉन्ड बना रहा है ना पीसीएल फाइव, पांच बॉन्ड बन रहे हैं तो पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पर पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन। नाउ एक एस का तीन पी के और एक डी का ऑर्बिटल जो है ये क्या होंगे, मिक्स होंगे एंड हमारे पास एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एस पी थ्री डी। तो एक एस का तीन पी के और एक डी का ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो नए कितने ऑर्बिटल बनेंगे, पांच ऑर्बिटल बनेंगे। वो पांच ऑर्बिटल को हम क्या नाम देंगे, sp3 d हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम देंगे। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3 d। ओके तो पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, ये पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम बोल देंगे sp3 d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके सो दीज आर फाइव एस पी थ्री डी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके एंड अब इनसे ओवरलैप कौन करने आ रहा है, ऑब्वियसली ओवरलैप क्लोरीन आ रहा है, और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, तो क्लोरीन का अगर हम दिखाएं तो इट इज सी एस टू एंड सी पी फाइव। ठीक है तो क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, पी ऑर्बिटल ओवरलैप करने आएगा। ठीक है सो लिखो फिर आगे चलते हैं। तो ये पांच ऑर्बिटल जो है इनका ओरिएंटेशन कैसे होगा या कैसे ओरिएंट करेंगे जिससे कि रिपल्शन मिनिमम हो, तो वो देखेंगे। पहले लिख दो तो हमारे पास पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल आए, नो सिद्धार्थ फाइव बॉन्ड नहीं बोला मैंने, मैंने बोला पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नॉट फाइव। ओके सो फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3 d हाइब्रिड ऑर्बिटल। यस वेदांत, सक्सेस बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो जस्ट हम एक एक करके ले रहे हैं, फिर बाद में दूसरा भी तुम्हें ट्रिक बताएंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देखते हैं वो सब का। तो टेट्राहेड्रल के बहुत एग्जाम्पल आएंगे। डक्ट एस का इलेक्ट्रॉन डी में क्यों नहीं जा सकता, अगर तुम एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो जा सकता है ना, एक्साइट करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो एनर्जी प्रोवाइड करो, इसका इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा जंप करके, अनपेड इलेक्ट्रॉन पेड इलेक्ट्रॉन को अनपेड कर दो, तो खाली ऑर्बिटल कौन सा, डी है। पी में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ना, पी में भेजने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, अगर हम एस के इलेक्ट्रॉन को पी में भेजेंगे तो फिर से वो तो पेड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एस के इलेक्ट्रॉन को डी में भेजना है। ऑब्वियसली पी में भेजने के लिए जो एनर्जी लगेगी उससे ज्यादा एनर्जी डी में भेजने के लिए लगेगी, तो हम उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जो एस से डी में जंप करके जाए। यस अनिकेत, दिस इज फर्स्ट पेज, लिख लिया सबने, यस दैट ऐसा बोल सकते हो।
ठीक हो जल्दी? हाँ रिसा, सभी को मैंने इन कर लिया है, कोई अभी करेंटली तो वेटिंग रूम में है नहीं। हो गया सबका? चले आ गए। यस यस सर बोलो। सर सर हाँ कैन दिस बी एनी डी ऑर्बिटल? नहीं, वो तो ऑब्वियसली वही भी हो सकता है मतलब, बट क्या है कि इसका भी एक है sp3d में, जो हम अभी जो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं ना उसमें है, मतलब वो मेन सिलेबस में वो सब चीज नहीं है, बट इट इज डी जेड स्क्वायर। ठीक है, हम जिसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे जो अभी पढ़ेंगे, तो ये जो जेड होता है इट इज डी जेड स्क्वायर। अगर डी जेड स्क्वायर की बजाय कोई दूसरा आया तो वो शेप चेंज हो जाएगी, बट जिस शेप को, सॉरी जिस ज्योमेट्री को हम लेके चल रहे हैं उसमें ये डी जेड स्क्वायर होता है। ओके okay? और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कैसे दिखेगा? कैन यू शो दैट? तो डी जेड स्क्वायर में तो मतलब अपने पास क्या है, जैसे ये है ना डी जेड स्क्वायर ऐसा रहता है, ठीक है, तो इधर पॉजिटिव रहता है और इस वाले पार्ट में नेगेटिव रहता है, रिंग वाले पर ऐसा है। ओके सर, सो वी इन ठीक है, ऑल केसेस वी विल टेक डीजेड स्क्वायर। नहीं, एक्चुअली ऑल केस क्या, एसपी थ्री डी आया है, ठीक है, इसमें डी जेड स्क्वायर होता है, देन एसपी थ्री डी टू जो आएगा आगे वाला, ठीक है, उसमें डी जेड स्क्वायर भी होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी, मतलब उस सिलेबस में दैट्स व्हाई मैं वो नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर तुम्हें फिर भी देखना है तो यहाँ पर जो मैं एक टेबल तुम्हें वो कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप पे, ठीक है, उसमें सब अपने दिया होगी कौन कौन से वाले हाइब्रिड है, कौन सा वाला डी पार्टिसिपेट करो। ओके तो लिख लिया सबने, चले आगे।
हमारे पास फाइव ऑर्बिटल्स है, ये फाइव ऑर्बिटल्स जो हैं ये कैसे अरेंज होंगे, ठीक है, या इनका ओरिएंटेशन कैसे होगा? तो जैसा हमने पहले ही बताया गया, रिपल्सन जो है मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, तो रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के अपोजिट। इसके अलावा तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो डिफरेंट प्लेन में होंगे, और तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल डिफरेंट प्लेन में जो होंगे वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो हम बात कर रहे हैं उनका जो प्लेन है वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये एक अलग प्लेन, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद सेंड कर दूंगा तुम्हें फोटो। तो ये हमारे पास फॉस्फोरस के पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो ये अभी मैंने जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डाले हैं वो एक प्लेन में है। इसके अलावा ये दो इलेक्ट्रॉन जो है अभी मैं डाल रहा हूँ ये उनके क्या है, परपेंडिकुलर वाले प्लेन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सेस पर है। अब इसके साथ ओवरलैप करने कौन आ रहा है यार, ओवरलैप करने आ रहा है क्लोरीन का पी ऑर्बिटल। तो क्लोरीन का पी ऑर्बिटल आ रहा है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो ये क्लोरीन के पी ऑर्बिटल आ गए। अब देखो हमारे पास यहाँ पर जो ये बनता है वो कैसा है, तो पी एक सीएल ऊपर आया एक सीएल नीचे आया, इसके अलावा ये हमारे पास अपोजिट आए एंड तीन सीएल हमारे पास कुछ इस टाइप से आ रहे हैं। ये दो तीनों सीएल हैं ये एक प्लेन में, ये तीनों सीएल क्या है, एक प्लेन में, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास पिरामिड बन रहे हैं, दो पिरामिड बन रहे हैं। मतलब देखो एक पिरामिड ऊपर की साइड बन रहा है, ये देखो ये एक पिरामिड ऊपर बन गया और ऐसे एक पिरामिड नीचे बन रहा है, ठीक है। तो दो पिरामिड बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसे हम बाय पिरामिडल बोलेंगे, और बेस जो है पिरामिड का क्या है, ट्राइंगल है, ओके। तो ये ज्योमेट्री एंड शेप जो आ रही है इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री एंड शेप को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बोलते हैं। इसके अलावा ये जो प्लेन वाले जो बॉन्ड है या प्लेन वाली जो पोजीशन है इसको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड बोल देंगे। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड, दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड। एंड ये जो ये वाला जो प्लेन के जो परपेंडिकुलर वाले बॉन्ड है इनको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, कौन से बॉन्ड बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड बोल, ओके। सो हमारे पास एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड आ रहे हैं। इसके अलावा एंगल की अगर हम बात करेंगे तो देखो ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑब्वियसली कितना है, 90 डिग्री। लेकिन अगर ये एंगल्स की बात करेंगे, प्लेन के जो एंगल्स हैं इनकी बात करेंगे, तो ये एंगल कितने हैं, ये ऑब्वियसली 120 डिग्री। तीन एंगल है एक प्लेन में, ठीक है, तो ये तीन एंगल एक प्लेन में तो कितने कितने के हुए बताओ, 120 के हुए ना, ठीक है। तीन एंगल है तो ऑब्वियसली 120 120 120, तो ये प्लेन वाले जो एंगल है 120 डिग्री के हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर और नीचे वाला जो है ये हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं विद प्लेन। तो यहाँ पर दो टाइप के एंगल आ रहे हैं, एक 120 वाले एक 90 वाले। ऑब्वियसली अगर ये वाले सीएल ये वाले बॉन्ड की बात करोगे तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है? हुआ 180 डिग्री हुआ, ठीक है, क्योंकि 90 ऊपर हुआ और 90 ये नीचे वाला हुआ, तो 120 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा। यस प्रकृत, ऑब्वियसली ये सब याद रखना है तुम्हें, ठीक है, कि कौन से वाले हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा वाला ज्योमेट्री आता है, बॉन्ड एंगल वगैरह क्या रहता है, ये याद। तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री जो है उसमें एक्सियल पोजीशन आती है, इक्वेटोरियल पोजीशन आती है,
एंड जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री भी होता है और डिग्री भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो एक्सियल वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ये बड़ी होती है और जो इक्वेटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होती है, ठीक है। सो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है, या एक्सेल वाला बॉन्ड लंबा होता है और इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड छोटा होता है। ओके, सो ये हमारे पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल। मैं एक बार तुम्हें सेंड कर देता हूँ ग्रुप पर और थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगा। देखो ग्रुप पर मैंने कुछ GIF और डायग्राम वगैरह सेंड किए हैं, वो देखो तुम्हें और वहां से क्लियरिटी मिलेगा। यस दक्ष, यस अक्षत, एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर 120। ठीक है, तो मैंने देखो सेंड किया है ग्रुप पर, देखो वहां से तुम्हें और क्लियरिटी मिलेगा। लास्ट वाला एक्चुअली मैंने देना, लास्ट वाला जो रेड कलर का लास्ट वाला है वो दूसरा है, मतलब लास्ट के दोनों जो है दूसरे हैं और पहले वाले दोनों देखो, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड देखो, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो नेक्स्ट वाले हाइब्रिडाइजेशन को भी मैंने अभी सेंड कर दिए। फर्स्ट एंड सेकंड वाला देखो, तो फर्स्ट एंड सेकंड अगर तुम यहां पर देखते हो, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो देखो क्या है, पिरामिड है ना। सेकंड वाले से देखो, सेकंड वाले से और तुम्हें क्लियरिटी मिलेगी। पिरामिड आ रहे हैं, दो पिरामिड आ रहे हैं, एक पिरामिड ऊपर आ रहा है, एक पिरामिड नीचे आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। एंड जो पिरामिड है उसका बेस क्या है, ट्राइंगल है, दैट्स व्हाई इट्स ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हम बोलते हैं। क्लियर है सभी को? समझ आया स्ट्रक्चर? चले आगे, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का हमने तुम्हें शेप या ज्योमेट्री भेजा है। यस दक्ष, एक्सियल बॉन्ड जो है और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड, उनको मतलब ऑब्वियसली दोनों क्या है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड है ना, दैट्स व्हाई उनको नाम दिया गया। एक्सियल बॉन्ड मतलब जो परपेंडिकुलर वाले जो बॉन्ड थे उनको एक्सियल बोल दिया, और जो प्लेन वाले बॉन्ड है उनको इक्वेटोरियल बोल दिया। लिखो जल्दी, फिर आगे चलते हैं।
बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड के नीचे जो है बॉन्ड लेंथ लिखता है। हो गया सबका? तो ये हमारे पास था एस्पेक्ट 3D हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री एंड शेप आया। नाउ नेक्स्ट हम एस्पेक्ट 3D2 की बात करेंगे। तो SF6, तो फ्लोरीन का जो है वो क्या है, इट इज 2S2 एंड 2P5। तो फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल आएगा। इसके अलावा सल्फर की अगर हम बात करेंगे तो सल्फर में क्या है, सल्फर का देखो 3S2 एंड 3P4 है। यहां पर तो दो ही ऑर्बिटल हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दो बॉन्ड नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिक्स बॉन्ड बन रहे हैं। सिक्स बॉन्ड के लिए सिक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो डी यहाँ पर क्या है, खाली है। ठीक है, जो थ्री डी है वो खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, अनपेड हो जाएंगे। तो अब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अनपेड हो जाएंगे, तो हमारे पास देखो सिक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो 3s का इलेक्ट्रॉन और 3p दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड वाले, वन पेयर्ड हो गए एंड वो 3d में चले गए। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो एक s का, 3p का और 2d के ऑर्बिटल आए, तो ये मिक्स होंगे। तो मिक्स होके हमारे पास क्या आ जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और उसकी वजह से हमारे पास कितने और ऑर्बिटल बनेंगे, ऑब्वियसली सिक्स ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो सिक्स ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे और उनका नाम होगा sp3d2। ठीक है, तो ये हमारे पास 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। लिखो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इनका ओरिएंटेशन बताएंगे और फिर ज्योमेट्री बताएंगे। यस सर, ठीक है, बस बेसिक पता होना चाहिए था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। बाकी अभी आगे तुम्हें थोड़ी देर बाद हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट तरीका बताएंगे। ओके, पहले सारे हाइब्रिडाइजेशन वन बाय वन ले लेते कि हो कैसे रहे हैं, देन उसके बाद हम तुम्हें ट्रिक बताएंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी देखना है।
हो गया सबका? तो हमारे पास ये सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे, तो मैंने जो डायग्राम तुम्हें सेंड किया ग्रुप पे उसमें देख सकते हो। पहले यहाँ पर देखो, तो सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे रहेंगे, तो लास्ट टाइम की तरह ऐसे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, एंड देन चार हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम एक प्लेन में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, दो प्लेन के बाहर चार प्लेन। ठीक है, ये दो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं और चार प्लेन। तो ये सल्फर का हमारे पास हो गया। नाउ ओवरलैप करने कौन आ रहा है? ओवरलैप करने फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये हुआ। तो अब देखो स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो एस एफ 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 एंड एफ। ठीक है, इस टाइप से आ गया। नाउ यहां पर जैसा हमने बताया, चार एक प्लेन में होंगे और दो प्लेन के बाहर होंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो जैसा मैंने डायग्राम में भी तुम्हें सेंड किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी पिरामिड बन रहा है, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो पिरामिड है इसका बेस क्या है? लास्ट टाइम जब हमने बताया था उसका पिरामिड का बेस था ट्राइंगल, इसका बेस है स्क्वायर। ओके, तो ये ज्योमेट्री एंड शेप जो है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल, दो पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, और बेस क्या है? स्क्वायर है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल। ओके, स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलेंगे। इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। एंड बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर सारे जो बॉन्ड एंगल हैं वो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, और जो प्लेन के बाहर वाला है वो भी 90 डिग्री। ठीक है, और सारी बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इक्वल होंगी, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। यहाँ पर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर बॉन्ड जो है एक्सियल की तरह काम कर सकता है और हर बॉन्ड इक्वेटोरियल की तरह। जैसे यहाँ पर अभी हमने जो बनाया उसमें हमने बोल दिया कि ये दोनों प्लेन के बाहर है और ये चार जो है ये प्लेन के, ये प्लेन में। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है कि अगर मैं इसको ऐसे लूं तो ये जो है ये भी चारों एक प्लेन में आ सकते हैं। बस देखने का वो है कि हम किधर से देख रहे हैं, या हम कैसे इसको रोटेट करके देखें। तो हमारे पास जो है पहले जो प्लेन के बाहर बॉन्ड था वो भी प्लेन में आ जाएगा, और जो प्लेन वाले बॉन्ड थे वो प्लेन के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी बॉन्ड प्लेन वाले बॉन्ड का काम कर सकता है या प्लेन के बाहर वाले बॉन्ड का काम कर सकता है। यहाँ पर हर बॉन्ड एक्सियल भी है और इक्विटोरियल। ठीक है, दैट्स व्हाई एक्सियल इक्विटोरियल बोलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर सारे सारे जो बॉन्ड है ना वो क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, सारे बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल होंगे। तो हमने जो सेंड किया है ग्रुप पर वो भी एक बार देख लो। ठीक है, ग्रुप पे हमने सेंड किए दोनों स्ट्रक्चर, तो उसमें भी तुम देख सकते हो।
थर्ड एंड फोर्थ वाला प्लेन में देखो कितने थे, जीआईएफ देख लो, प्लेन में चार बॉन्ड है ना, फिर एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, एंड सिमिलरली तुम रेड वाला भी देख सकते हो। तो रेड वाले में देखो है ना, अब जो मैं बोल रहा था ना, यहाँ पर हर बॉन्ड एक्सेलरेटोरियल का काम कर सकता है। जो रेड वाला है ना उसको तुम घुमा के देखो, रेड वाले को अगर तुम घुमा के देखोगे तो सेम ही आएगा ना, जो मैंने तुम्हें ग्रुप पे सेंड किया है उसमें रेड वाले को अगर तुम घुमा दोगे 90 डिग्री घुमा दो, चाहे राइट हैंड साइड घुमाओ या लेफ्ट हैंड साइड घुमाओ, 90 डिग्री घुमाने के बाद सेम आएगा ना। क्लियर है सबको? तो यहां पर एक्सेल इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं, रेड वाले को अगर तुम 90 डिग्री राइट हैंड साइड घुमा दोगे तो हमारे पास सेम ही मिलेगा। दैट्स व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर बायपिरामिडल ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। ये जो हमें ज्योमेट्री मिली है ना, इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। स्क्वायर बाय पिरामिडल का दूसरा नाम ऑक्टाहेड्रल। हो गया सबका? सिद्धार्थ, बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री है, सारे जो बॉन्ड एंगल है ना वो 90 डिग्री है यहां पर। इसके अलावा यहाँ पर एक्सेल और इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सिद्धार्थ। हमने जो ग्रुप पर तुम्हें रेड वाला सेंड किया ना, उसको अगर तुम 90 डिग्री घुमा के देखोगे तो सेम मिल जाएगा, जैसा अभी दिख रहा है वैसा ही तुम्हें दिखेगा, और उसको तुम 90 डिग्री राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड घुमा दो, ठीक है? तो एक्सेल जो है वो इक्वेटोरियल बन जाएगा और इक्वेटोरियल जो है एक्सेल बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेल इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ऑक्टेट। चले आगे, लिख लिया सबने? चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अब लेंगे हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं clf7। तो फ्लोरीन का तो वही हमारे पास क्या है, 2s2 एंड 2p5, ठीक है? तो वो उसका p ऑर्बिटल आएगा ओवरलैप करने। इसके अलावा क्लोरीन जो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, और क्लोरीन का क्या है, तो क्लोरीन के सात बॉन्ड बनेंगे, इसका 3s2 एंड 3p5 है, ऑब्वियसली एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा क्लोरीन में, एक्साइटेशन होगा ना, बिकॉज सेवन बॉन्ड बनाने, बट अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है,
एट अनपेड सॉरी सेवन बॉन्ड बनाने, बट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सेवन अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको एक्साइट होना पड़ेगा। तो क्लोरीन जो है जब एक्साइट होगा तो उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन सेवन हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, सेवन आ गए। तो एक एस का तीन पी के और तीन डी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, है ना, या एक एस का तीन पी के और तीन डी के ऑर्बिटल मिक्स होंगे और नए सेवन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे जो कि होंगे एस पी थ्री डी थ्री। एक एस का आ रहा है, तीन पी का आ रहा है, तीन डी का, है ना, सो एस पी थ्री डी थ्री। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन इज एस पी थ्री डी थ्री एंड नाउ वी हैव सेवन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, सो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, सेवन हो। तो नाउ ये सेवन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये ओरिएंट ऑब्वियसली इस टाइप से करेंगे कि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। तो पहले लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका, नाउ हमारे पास ये सेवन हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे। तो पांच एक प्लेन में होंगे और दो परपेंडिकुलर होंगे। ओके, सो पहले ये दो परपेंडिकुलर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लेते हैं एंड ये पांच एक प्लेन में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास
5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए एक प्लेन में और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर। तो हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्लोरीन है एंड इससे ओवरलैप करेगा कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल। तो ये फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करेगा। ओके, सो ये हमारे पास तो 2 ये आ गए ऑब्वियसली ऊपर और नीचे वाले। ठीक है, एंड 5 जो है वो एक प्लेन में है। ठीक है, तो ये जो है ये देखो एक तरह से ये क्या पेंटागन है। ठीक है, सो ये ज्योमेट्री एंड शेप जो है इसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहां पर भी क्या पिरामिड बनेगा, एक ऊपर पिरामिड बनेगा एक नीचे पिरामिड बनेगा। ठीक है, 2 पिरामिड बनेंगे एक ऊपर और नीचे, लेकिन बेस जो है वो क्या होगा? पेंटागन होगा। ओके, सो इट इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ओके, सो पेंटागोनल बाय पिरामिडल आएगा। इसके अलावा ऑब्वियसली ये जो है अपने पास क्या हो गया, दिस इज एक्सियल एंड ये जो है ये क्या हो गया इक्वेटोरियल। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल है प्लेन वाले ये कितने हो गए? 72 डिग्री हो गए। क्यों? क्योंकि 360 बाय 5 करेंगे ना, एक प्लेन में कितने बॉन्ड है? 5 बॉन्ड है ना। सो 360 बाय 5 करेंगे तो कितने आएंगे? 72 आएंगे ना। तो प्लेन वाले जो बॉन्ड है 72 डिग्री हुए और जो परपेंडिकुलर है वो ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा ना। जो ऊपर और नीचे वाला जो बॉन्ड है वो कितना बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है एक दूसरे के साथ। तो दिस इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। यहाँ पर भी ऑब्वियसली एक्सेल वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल से ज्यादा है। ठीक है, एक्सेल वाली बॉन्ड लेंथ जो है इक्वेटोरियल से ज्यादा है यहाँ पर। तो ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल आ गया क्योंकि 2 पिरामिड है तो बाय पिरामिडल और बेस जो है क्या है? पेंटागन है।
तो मैंने ग्रुप पे भी सेंड किया है, पेंटागनल बाय पिरामिडल वाला, देखो। हाँ वेस्टी, यहाँ पर सॉरी फाइन नहीं लिखा ना, एक्सेल वाला जो है इक्वेटोरियल से ज्यादा है, एक्सेल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। ओके, बॉन्ड लेंथ जो है ना, एक्सेल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा ज्यादा है? एक्सेल वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल से ज्यादा है। ओके okay. तो हमने ग्रुप पे भी सेंड किया है, एक बार देख लो डायग्राम। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल है ये, ग्रुप पे देख सकते हो तुम। दो पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और बेस जो है वो क्या है? पेंटागोनल। ओके सिद्धार्थ सर, आपने वो SF6 में क्यों लिखा, कहा था कि वहां पर वो नो एक्सेल नो इक्वेटोरियल? सिद्धार्थ, मैंने ग्रुप पे जो फोटो सेंड किया था इससे पहले, उसमें देखो रेड वाले में लास्ट में क्या है कि अगर तुम उसको राइट हैंड साइड 90 डिग्री पर, मतलब उसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज करो सिद्धार्थ, तुम्हें सेम मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। मतलब वहां पर एक्सेल वाला इक्वेटोरियल का काम कर सकता है, इक्वेटोरियल वाला एक्सेल का, ठीक है? वहां पर एक्सेल इक्वेटोरियल कुछ है ही नहीं। देखो जो रेड वाला ग्रुप पर सेंड किया फोटो, उसमें देखो सेकंड लास्ट फोटो जो है अभी, उसमें देखो उसे 90 डिग्री पर रोटेट कर दो राइट हैंड साइड, है ना? तो सेम मिलेगा ना, तो एक्सेल इक्वेटोरियल है ही नहीं वहां पर कुछ ऑक्टाहेड्रल में। हो गया सबका? तो ये हमारे पास थे हाइब्रिडाइज, ठीक है? दक्ष बोल रहा था कि सर कौन सा वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक फोटो सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे। वैसे उस सिलेबस में है नहीं कि कौन सा डी आएगा, बट फिर भी तुम बोल रहे हो तो एक बार कर देते हैं। देन आगे हम कुछ और एग्जांपल लेंगे और फिर तुम्हें ट्रिक बताएंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन ढूंढते हैं।
देखो एक पिक सेंड किया ग्रुप पर, तो उसमें तुम देख सकते हो कि कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3d में हमने बोला d z स्क्वायर होगा, तो ब्रैकेट में देखो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री लिखा, ठीक है। और हम एक्चुअली ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री की बात करते हैं, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की बात नहीं करते। अगर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है तो देखो कौन सा डी लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला लिया हुआ, ओके। बट अपने जो सिलेबस में है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही है, ठीक है। इसके अलावा DSP2 और D2SP3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आएगा उसमें आएंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन और है उस लिस्ट में जो मैंने सेंड किया, उसमें एक DSP2 है और एक D2SP3 है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो उसमें आएंगे अभी नहीं, ओके। तो आगे चलते हैं अभी। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गए हैं नाउ, और एक दो एग्जांपल और लेते हैं नाउ। नेक्स्ट हम यहां पर लेते हैं NH3, तो NH3 में हाइड्रोजन जो है इसका कौन सा ऑर्बिटल है, यस काशवी वी विल गिव यू द ज्योमेट्री टेबल, यस वेदांत वो भी कर सकते हैं। तो बिकॉज ऐसे नोबेल गैस जो क्या है ऑक्टेट रूल को वॉयलेट करेंगे तो वहां पर भी ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो NH3 में हाइड्रोजन जो है इसका कॉन्फिग्रेशन 1s1 है, एंड नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का 2s2n2p, ठीक है। तो अब देखो यहां पर तीन बॉन्ड बन रहे हैं और तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब हमने रूल्स लिखवाए थे हाइब्रिडाइजेशन के या उसके पॉइंट्स लिखवाए थे, तो हमने बोला था कि ऐसा ऑर्बिटल जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके अलावा जिसमें मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या जो पूरी तरह फिल्ड ऑर्बिटल वो भी हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहां पर देखो एस जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ओके। एक s का ऑर्बिटल आ गया, तीन p के ऑर्बिटल आ गए, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ओके। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल आ गए, टोटल चार आ गए ना, ओके। सो चार और हमारे पास क्या आ गए, ऑर्बिटल आ गए। अब देखो ये चार ऑर्बिटल जो है ऑब्वियसली कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे जैसे हमने बताया था तुम्हें। दक्ष देखो क्या है, ये तीनों पी ऑर्बिटल मिक्स होके, ये तो प्योर ही ऑर्बिटल है ना भाई दक्ष, ये तीन पी ऑर्बिटल जो है ये तो प्योर है, इनका थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो तभी होता है जब अलग अलग वाले हमारे पास क्या करेंगे, मिक्स होंगे। तो एक एस का और तीन पी के मिक्स होंगे तब जाके sp3 हुआ, एक एस का ऑर्बिटल आया और तीन पी के ऑर्बिटल आए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल आए, ऑब्वियसली चार हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है कैसे अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंज होते हैं, लेकिन उनमें जो बॉन्ड बनाएंगे वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है जो इसकी वजह से तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वही बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो हमारे पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे और चारों को अरेंज करेंगे, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, इसके अलावा चार हाइब्रिड तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल और हैं, ये हमने टेट्राहेड्रली क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक में ऑलरेडी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, बाकी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये नाइट्रोजन के हमारे पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, उनमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और बाकी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ओवरलैप कौन कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन, तो ओवरलैप हाइड्रोजन कर रहा है, तो हाइड्रोजन का ये देखो एस ऑर्बिटल आ गए, ठीक है। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आ गया, एस ऑर्बिटल आ गया, ओके।
तो यहाँ पर ये हमारे पास बन गए बॉन्ड, तीन बॉन्ड बन गए, और ये जो है ना ये ऊपर वाला जिसमें ऑलरेडी मतलब अपने पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से कोई बॉन्ड नहीं बना, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोन पेयर बोलते हैं। ओके, ये हमारे पास लोन पेयर है। तो अभी देखो नाइट्रोजन जो है उसने कैसा यहाँ पर ज्योमेट्री स्ट्रक्चर वगैरह बनाया है, तो नाइट्रोजन ने यहाँ पर क्या किया है, ये तीन बॉन्ड बना लिए एंड हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, जो दो दो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बॉन्ड नहीं बनाए, बस वो हमारे पास उसकी वजह से क्या कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, या यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ रीजन में रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन की क्या हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई, लेकिन शेप जो है वो आती है बिकॉज ऑफ बॉन्ड। शेप किसकी वजह से आती है? बॉन्ड की वजह से। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी वजह से कोई बॉन्ड हमारे पास शेप नहीं आएगी। शेप किसकी वजह से आएगी? किसी भी कंपाउंड की उसके जो बॉन्ड है उसकी वजह से शेप आएगी। तो हमारे पास देखो टेट्राहेड्रली ये अरेंज है, लेकिन टेट्राहेड्रली अरेंज है तो एक तो ये हो गया, तो इसकी वजह से कोई शेप है ही नहीं। उसके अलावा बाकी कैसा दिखेगा ये, याद रखना ये 3D था ना। टेट्राहेड्रल में ये वाला जो है इस वाले पार्ट को मत देखो, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है ना, तो ये वाले पार्ट को मत देखो, इसके अलावा बाकी पार्ट को देखो कैसा दिख रहा है। तो बाकी पार्ट कैसा दिखता है बताओ, पिरामिडल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ओके, तो ये हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो तो हो गई टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या हुई इसकी? शेप हो जाएगी इसकी पिरामिडल। ओके, और कैसा पिरामिडल? ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, तो ज्योमेट्री आएगी इसकी टेट्राहेड्रल और शेप आ जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो जब जब हमारे पास लोन पेयर आएगा तो ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो ऑब्वियसली सेम नहीं रहेंगे, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम है। ज्योमेट्री तो ऑब्वियसली इंक्लूडिंग लोन पेयर है, तो पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री फिक्स है। ठीक है, वो इंक्लूडिंग लोन पेयर बोलेंगे, लेकिन जब शेप की बात करेंगे तो लोन पेयर को मत देखो, उसके अलावा बाकी पार्ट को देखो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर लोन पेयर के अलावा बाकी पार्ट जब हम यहाँ पर देखते हैं तो कैसा दिख रहा है, वो ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा है। तो NH3 इज ट्राइगोनल पिरामिडल। वेदांत sp3 क्यों है? क्योंकि एक s का ऑर्बिटल और तीन p के ऑर्बिटल मिक्स हुए ना, दैट्स व्हाई sp3। यस सिद्धार्थ, अगर पिरामिडल बोलते हैं बोलेंगे तो भी चलेगा, बट ट्राइगोनल पिरामिडल इज मोर अप्रोप्रिएट। दैट्स लोन पेयर जो है उसकी वजह से शेप नहीं आता है, शेप जो है बिकॉज ऑफ बॉन्ड आता है। तो अपने पास टेट्राहेड्रल जो है उसमें एक बॉन्ड को हटा दो या एक बॉन्ड को मत देखो, टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है ना, टेट्राहेड्रल जो शेप होती है उसमें एक बॉन्ड को मत देखो, उसके अलावा बाकी पार्ट को देखो। तो टेट्राहेड्रल में अपन अगर एक बॉन्ड को ना देखे बाकी पार्ट को देखेंगे, मतलब इस वाले पार्ट इसको मत देखो बाकी पार्ट को देखो, तो कैसा दिखेगा? वो पिरामिडल दिखेगा। ओके, एंड उस पिरामिडल का बेस क्या होगा? बेस ऑब्वियसली इसका क्या है? ट्राइंगल। हाँ बोलो। बोलो सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि जो नीचे वाले जो एचेस होते हैं, मतलब नीचे वाले जो बॉन्ड होते हैं वो ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं होता ना, थोड़ा सा रेज्ड होता है ना, स्टैंड जैसे। अरे भाई टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसा था? टेट्राहेड्रल एक प्लेन नहीं था, वो 3D था पूरा का पूरा। यस सर, यस। ठीक है, जैसे अपने इसको ऐसे सोच के अपने पास से ये ना अपन कैमरा लगा दे, ट्राइपॉड, ट्राइपॉड है ना। यस सर, यस।
ठीक है, तो ट्राइपॉड है तो ये ट्राइपॉड के तीन पैर हो गए, ठीक है, ये ओके ट्राइपॉड के सर। तीन पैर हैं और ये ट्राइपॉड के ऊपर ये कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे के ऊपर भी एक हमारे पास कुछ अटका हुआ है, सोचिए मान लो लाइट है, ओके समझाया, सर, ये यस ये सर। कैमरा है और कैमरा के ऊपर ये लाइट लगी हुई है, मान ले, समझाया, तो ये लाइट लगी है तो यहाँ पर हाइड्रोजन था, मान लो CH4 की मान लो हम बात करें, तो ये वाला जो ट्राइपॉड का ये जो कैमरा है, आवाज आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गए तुम, आवाज आ रही है, हाँ, तो ये ट्राइपॉड का, ये हमने ट्राइपॉड बोला है, तो ट्राइपॉड में को भी हम टेट्राहेड्रल से कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो कैमरा है, ये जो कैमरा है, एक बार फिर से देखो, तो ट्राइपॉड का ये जो कैमरा है, ये हमारे पास क्या है, ये एक तरह से कार्बन हो गया, CH4 की मान लो हम बात करते हैं, ठीक है, CH4 की बात करते हैं, तो CH4 का अपने पास कैसा था, टेट्राहेड्रल था, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कैमरा है, कैमरे के ये ट्राइपॉड के नीचे वाले तीन क्या हो गए, पैर हो गए, है ना, और ये उसके ऊपर हमने मान लो लाइट लगा दी, तो ये ऑल मिला के जो है कैसा है, टेट्राहेड्रल, समझाया, अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट इसको मत देखो, तो कैसा दिखेगा बताओ, ये पिरामिडल दिखेगा या नहीं दिखेगा, समझाया सबको, क्लियर है ना सबको ये, ओके, तो इस टाइप से हम यहां पर बात कर सकते हैं पिरामिडल शेप की, तो देखो हम वही बोल रहे थे कि अगर हमारे पास लोन पेयर आ जाता है तो शेप एंड ज्योमेट्री चेंज हो जाएंगे, तो इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, दैट एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल हम बाद में बताएंगे, एंगल जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट ही होना चाहिए, बट वो रिपल्सन वगैरह की वजह से थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो बाद में बताएंगे, तो इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट देन ज्योमेट्री एंड शेप विल बी डिफरेंट, ठीक है, इसके अलावा डू नॉट कंसीडर लोन पेयर फॉर सेफ, ठीक है, जो लोन पेयर है उसको सेफ के लिए कंसीडर मत करो, क्लियर है सबको, तो अगर हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री एंड सेफ जो है दोनों क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, इसके अलावा लोन पेयर को सेफ के लिए कंसीडर हमें नहीं करना है, चले आगे, तो
एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही लोन पेयर वाला, H2O। तो H2O में भी हाइड्रोजन जो है उसका ऑब्वियसली 1s1 है, एंड ऑक्सीजन जो है इसका 2s1 है। तो हमारे पास अभी देखो एक एस का और 3 पी के ऑर्बिटल जो है मिक्स होंगे, और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3r। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे यहां पर भी, लेकिन वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल जो है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन, एंड 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो क्या होंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, इसके अलावा 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हैं। ठीक है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन। ओवरलैप करने आ रहा है अपने पास हाइड्रोजन, उसका एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब हमारे पास कितने लोन पेयर है भाई, 2 लोन पेयर, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, सो हमारे पास 2 लोन पेयर हैं। तो ये ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 बॉन्ड बने इस टाइप से, और साथ में 2 लोन पेयर। ठीक है, अब देखो लोन पेयर को देखेंगे ही नहीं, जैसे हमने बताया लोन पेयर को तो देखना ही नहीं है। लोन पेयर के अलावा बाकी कैसा दिखेगा ये, ऑब्वियसली ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। एंड शेप की अगर हम बात करेंगे तो शेप इसको हम बोलेंगे, देखो ये कैसा हुआ भाई, वी शेप हुआ ना, वी शेप या बैंड शेप। ओके, वी शेप बोल दो या बैंड शेप बोल दो। ठीक है, वी शेप या फिर बैंड शेप भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास H2O का हाइब्रिडाइजेशन आया और उसका शेप आया। ऑब्वियसली ज्योमेट्री जो है लीनियर नहीं है यार, कैसिस, इट इज नॉट लीनियर, लीनियर थोड़ी है। लीनियर कब होता, जब हमारे पास ये सीधा सीधा होता, ऐसे होता तो ये लीनियर होता, इट इज नॉट लाइक दिस। ओके, ये कैसा है, ऐसा है, तो इसे क्या बोलेंगे, बेंट बोलेंगे। क्लियर है सभी को? समझ आ रहा है? तो जैसे हमने भी ट्राइपॉड का एग्जांपल बताया था तुम्हें कि अपने पास कैमरा है, इस कैमरे में ऐसे ये 3 पैर हो गए ट्राइपॉड के, इधर कैमरा है और एक ऐसा है। ठीक है, तो अभी तुम्हें क्या नहीं देखना है, एक तो तुम्हें ये वाला पार्ट मत देख नहीं देखना, और एक ये वाला पार्ट नहीं देखना, तो ये दोनों को मत देखो। उसके अलावा बचाओ पार्ट कैसे दिखेगा तुम्हें, बी दिखेगा ना, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में अभी क्या आ गया, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ गया, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बॉन्ड बना। ठीक है, तो जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बॉन्ड बना है उसकी वजह से कैसा रहेगा, वी शेप रहेगा। देख लिया सबने, आगे चले।
ठीक है। तो देखो ये वाला एग्जांपल ले लो, या इससे पहले वाले जितने भी एग्जांपल है कोई भी ले लो, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उनका नंबर कितना होगा? देखो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, चार है ना, ठीक है, तो उनका नंबर होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। दो लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, ओके, दो लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड है ना इधर, तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए, चार हुए। लास्ट वाले में देखो एनएस थ्री में क्या था, एक लोन पेयर और तीन सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए, चार हुए। ओके, सो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो अगर तुम किसी कंपाउंड में ये देख लोगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं और लोन पेयर कितने बचे, जब बॉन्ड बन गए इसके बाद लोन पेयर कितने बचे, दोनों देख लो, तो तुम्हें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाएगा। और अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल गया तो उससे हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो तुम्हें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है, उससे हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। एंड हाइब्रिडाइजेशन पता है तो ज्योमेट्री पता चल जाएगा, फिर ज्योमेट्री के बाद में हम शेप भी निकाल पाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दो है तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ एसपी एंड ज्योमेट्री आता है इस केस में लूप। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए तुम्हारे पास, दो आए, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। यस दक, जैसा मैंने बताया था, बिटवीन टू एटम्स ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, बिटवीन टू एटम्स ओनली वन सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, बाकी जितने भी दो आइटम के बीच में बॉन्ड आएंगे वो फाइव। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी, अगर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एसपी टू, एंड ज्योमेट्री जो है वो आती है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर चार हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए तो एसपी थ्री हो जाएगी ज्योमेट्री, सॉरी एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, एंड ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइव आ गए, देन इट इज एसपी थ्री डी एंड ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अगर हमारे पास ऐड करके सिक्स आया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर सिक्स आया तो हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी थ्री डी टू एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। एंड लास्ट वाला क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर सेवन है तो एसपी थ्री डी थ्री, और एसपी थ्री डी थ्री में क्या है ज्योमेट्री, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ओके, सो तुम्हें बेसिकली नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देखना है कितने हैं। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल गया देन तुम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया देन ज्योमेट्री बता सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने जो दोनों एग्जांपल लिए एनएस थ्री और एच टू का, वो हम फिर से एक बार बताएंगे तुम्हें, अभी बिना हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायग्राम बनाए बताएंगे। एलपी लोन पेयर मृदुल, एलपी लोन पेयर, थर्ड वाले का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, थर्ड वाले का जो ज्योमेट्री इट इज टेट्राहेड्रल, मृदुल फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो, दक्ष रुको अभी बताते हैं तुम्हें, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो आया, एक्सप्लेन करते हैं रुको, इससे बताते हैं कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन।
हो गया सबका? तो चलो अब हम तुम्हें बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैसे निकालेंगे। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने अभी तक कराया, उन्हीं में से कुछ ले लेते हैं। लिखो दक्ष, जल्दी लिखो। हो गया सबका? नाउ देखो, हमारे पास जैसे मान लो BeCl, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले देखो यार इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है Be में? यार बी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बी में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो बी में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑब्वियसली यूज होंगे बॉन्ड बनाने में। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने बनने वाले हैं बताओ? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहां पर? सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ओके, सो दो सिग्मा बॉन्ड बने। अच्छा, दोनों की दोनों बी के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? दोनों बी के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, दोनों की दोनों बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? जीरो बचा ना, तो लोन पेयर क्या आ गया? जीरो। तो ऐड करके क्या आया ये? एड करके टू आ गया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो गया? टू हो गया। एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर टू हो गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ फिर? एसपी। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो यार एसपी हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो लीनियर ही आएगा ना, तो शेप एंड जियोमेट्री दोनों क्या आ गया? लीनियर आ गया। क्लियर है क्या? समझ आया कैसे निकालेंगे? और एग्जांपल लेते हैं, चलो NH3 का लेते हैं। NH3 के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? NH3 के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? NH3 तीन बॉन्ड बन रहे हैं और तीनों सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, है कि नहीं? तो तीन सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्ड बनाने में तीन इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दो इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब लोन पेयर यहां पर क्या आ गई? एक आ गई। दो इलेक्ट्रॉन बचे मतलब एक लोन पेयर, ठीक है? ऑब्वियसली पेयर की बात कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होगा ना, तो दो इलेक्ट्रॉन बचे मतलब एक लोन पेयर बच गई। इसके अलावा बॉन्ड कितने बने थे? तीन। तीन बॉन्ड बने थे कि नहीं बने? तो सिग्मा बॉन्ड तीन है और लोन पेयर एक है, ऐड करके क्या आया बताओ? ऐड करके फोर आ गया। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फोर एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है? नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में
ज्योमेट्री तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन शेप क्या आएगा? ऑब्वियसली शेप चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर आ रही है, तो शेप अपने पास क्या हो गया? पिरामिडल हो गया। समझ आया क्या? समझ आया सबको ये? ऑब्वियसली दैट सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं ना हम सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, तो सेंट्रल एटम का ही लोन पेयर देखेंगे ना। ओके प्रकृत, एग्जांपल टू ठीक है, बता देते फिर से। NH3 जो है उसमें नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? प्राकृत, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो सबसे पहले वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देखो, फिर उसके बाद देखो बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए। तो NH3 में हर हाइड्रोजन जो है क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। हर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 3 हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए नाइट्रोजन के, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे नाइट्रोजन के? 2 बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब एक लोन पेयर। ओके, सो एक लोन पेयर बच गया, इसके अलावा बॉन्ड बने 3 और तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारे पास ऐड करके 4 आया, 4 इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड शेप क्या है? ऑब्वियसली शेप कैसे देखेंगे, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि यार टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर है, उसको देखना ही नहीं है, लोन पेयर के अलावा बाकी पार्ट कैसा दिखेगा टेट्राहेड्रल का? वो पिरामिडल दिखेगा, ठीक है? सो पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल कुछ भी बोल दो। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, H2O का ले लो। चलो तो H2O का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? यस अक्षत, कर सकते हो जैसे तुम बोल रहे हो वैसे भी। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 है, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन p में है, वी आर टॉकिंग अबाउट वैलेंस सेल। ओके, सो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। हर हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या हम बोल सकते हैं हर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे ऑक्सीजन के, ठीक है? तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, बिकॉज वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब लोन पेयर कितने हैं? 2 है। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कितने? सिग्मा बॉन्ड कितने बने? 2 बने, तो ऐड करके यहां पर भी 4 आया, और 4 आया मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री तो हमें पता है क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर है, तो उनको देखना ही नहीं है, तो लोन पेयर के अलावा ये कैसे दिखेगा? विदाउट लोन पेयर कैसे दिखेगा? ये बेंट दिखेगा, है ना, वी बेंट या बेंट, क्योंकि लोन पेयर को तो देखना ही नहीं है। ओके, सो शेप इसका क्या आ गया? वी बेंट आ गया। क्लियर है सबको? समझ आया कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे? तो यहां पर देखो हमें पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, सर हाउ डिड यू सॉरी दक्ष एंड सर हाउ एम बी सी एल टू एस टू सिग्मा बॉन्ड? अरे यार दक्ष भाई, बी जो है 2 क्लोरीन से अटैच है ना, तो हर क्लोरीन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना भाई, बी और सी एल के बीच में ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, बिटवीन 2 एटम्स 1 सिग्मा बॉन्ड होगा ही, बताया कि नहीं बताया? तो सिग्मा बॉन्ड ही है ना दोनों, यार यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है भाई, दस क्या बोल रहे हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है बी का, पीएक्स वीएक्स नहीं कर रहा है। अभी बी का हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया है। ओके, तो हमारे पास ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, बिटवीन 2 एटम्स मैक्सिमम एंड मिनिमम 1 सिग्मा बॉन्ड होगा ही,
ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, अगर इसके अलावा इनके पास और बॉन्ड आते, मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, तो सिग्मा बॉन्ड एक ही होता, बाकी दोनों क्या होते, पाई होते। ओके, तो बिटवीन टू एटम्स एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी पाई होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड को निकालने का एक तरीका ये और है कि कितने एटम्स अटैच हैं सेंट्रल एटम से, वो भी सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच हैं, जैसे BeCl2 में कितने एटम अटैच हैं, दो एटम अटैच है तो दो सिग्मा बॉन्ड, NH3 में तीन एटम अटैच है तो तीन सिग्मा बॉन्ड, H2 में दो एटम अटैच है तो दो सिग्मा बॉन्ड, जितने एटम्स अटैच है उतने सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि बिटवीन टू एटम्स एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, तो बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए एंड देन कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद बच गए, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। एंड देन हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो ऑब्वियसली हमें शेप वगैरह, पहले ज्योमेट्री पता चलेगा, ज्योमेट्री के बाद हमें शेप भी पता चल जाएगा लोन पेयर को देखते हुए। कैसे शेप का क्या नाम रखना है, तो वो तो देखो ना अपने पास, मतलब जैसे कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है वैसा ही नाम रख देंगे ना कशिश। ठीक है, बाकी हम नाम तुम्हें बाद में बताएंगे और एग्जांपल लेंगे, तब अभी एग्जांपल लेने वाला है तब बता देंगे। तो तुम अपने हिसाब से देखो कि कोई कैसा दिख रहा है, उस हिसाब से उसका शेप का नाम दे दो। जैसे NH3 में वो कैसा दिख रहा है, बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं, पिरामिडल दिख रहे हैं, तो उसको पिरामिडल नाम दे दिया। और H2 में कैसा दिख रहा है, वो वी बेंट दिख रहा है, इसलिए वी बेंट नाम दे दिया। ओके, तो अपने हिसाब से देखो, बाद में हम बताएंगे शेप्स का नाम अलग अलग जो भी है। ठीक है, चले आगे। नाउ चलो क्वेश्चन लेते हैं, तो सॉल्व करना है तुम्हें। सो डिटरमाइन hybridization geometry and shape of OF2 CO2 SO3, SO2, NCl3, ClF3, PCl2F3, XCF2, XCF4, XeOF4, XeO2F2, XeOF2,
I three negative, NH two negative, NH four positive, SO four two negative, PO four three negative, एंड सीओ थ्री टू नेगेटिव. ठीक है, तो इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप बताओ क्या हो. बोलो दक्ष, क्या पूछना है बोलो. बोलो सर. सर इन बी सी एल टू द पाई बॉन्ड व्हाट यू आर सेइंग इट विल बी बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द सीएल का जो पी वाला बॉन्ड. हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा मतलब हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा बिकॉज वो हेड ऑन ओवरलैपिंग. ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा अपने पास प्योर ऑर्बिटल की वजह से बनेगा. तो वो अभी हम बाद में बताएंगे पाई बॉन्ड अगर कहीं पर बन रहा है तो कैसे बन रहा है वो बाद में बताएंगे. ठीक है, अभी उस पर नहीं जाया जाएंगे. ओके सर. सर लेकिन BCl2 जो आप बोल रहे हो एक तो उसका हाइब्रिड होगा ऑर्बिटल और दूसरा Cl के. BCl2 में दोनों ही हाइब्रिड होंगे ना यार. मतलब किसके बोल रहे हैं, क्लोरीन का प्योर होगा. हाँ क्लोरीन का प्योर होगा सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा. ओके सर. ठीक है, हमेशा सेंट्रल मतलब जो टर्मिनल एलिमेंट है ना उसका हमेशा प्योर ही होता है. जैसे जो साइड में जो बॉन्ड बनाने आया ना उसका प्योर ऑर्बिटल ही आएगा. जो बीच में जो होगा ये हम ऐसा बोल सकते हैं जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है ना तो वहां पर उस एलिमेंट के या एक से ज्यादा एटम से अगर कोई एलिमेंट अटैच है तो उसका हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा या उसमें हाइब्रिडाइजेशन. अगर किसी एलिमेंट का एक ही बॉन्ड बन पाए तो वो एलिमेंट अपना प्योर ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कराएगा इसमें बॉन्डिंग. सर बट व्हाट इज द रीजन दैट द सेंट्रल एटम विल ओनली हैव हाइब्रिड
आयनाइजेशन एंड द अदर वन विल हैव प्योर, नहीं क्योंकि साइड वाला जो उसका तो एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ना, तो वहां पर तो अपने पास प्योर प्योर ही आएगा ना, एक ऑर्बिटल जब बॉन्ड ओवरलैप कराएगा, लेकिन बीच वाला जो उसके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, तो बीच वाले एलिमेंट के पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि बॉन्ड बनाने वाला है, तो ऑब्वियसली फिर हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, मिक्सिंग कराना पड़ेगा, समझ आया? साइड वाला जैसे BCl2 में देख ले तो क्लोरीन का तो जस्ट पी ऑर्बिटल आ रहा है, yes, है कि नहीं? लेकिन BCl2 में बीच वाले में देखो SbP भी है ना, तो बीच वाले में तो हमारे पास क्या है कि एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, तो वो ज्यादा ऑर्बिटल वाले जो है वो पहले क्या होंगे, मिक्स होंगे, जिससे कि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के वो आ जाए। तो जैसे हम पहले कर रहे थे, जैसे जो हम पहले प्योर ऑर्बिटल वाले डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, वैसे नहीं हो पाएगा BCl2 में नॉर्मल, वैसे नहीं होगा ना, वही तो मैंने तुम्हें बताया, तो वो तो जस्ट हम ऐसे बता रहे थे कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं, बट एक्चुअली बॉन्ड कैसे बनते हैं, जो सेंट्रल एटम है वो अपने पास क्या होगा, हाइब्रिडाइज होगा, तब बॉन्ड बनेगा। तो अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ज्यादा हो गए तो सब ओवरलैप होके हाइब्रिड बन जाएंगे सेंट्रल एटम में, और बाहर जो वैलेंस सेल ज्यादा नहीं, वैलेंस अपने पास जो बॉन्ड जो सेंट्रल एटम हो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, अब ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स हैं उनके नंबर भी ज्यादा, ठीक है? सेंट्रल एटम के जो ऐसे ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड बनाने वाले, ऐसे ऑर्बिटल हमारे पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल है जो कि ओवरलैप करने वाले, समझ आया? जैसे BCl2 में दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, CH4 में चार ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे कार्बन से, NH3 में तीन ऑर्बिटल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्बिटल इनके क्या करने वाले, ओवरलैप करने वाले हैं, और जिससे ओवरलैप करेंगे उसका एक ही ऑर्बिटल आ रहा है, जिससे ओवरलैप करेंगे ना उसका तो एक ही ऑर्बिटल आ रहा है, लेकिन इनका खुद का जो ऑर्बिटल है वो एक से ज्यादा है। Okay, तो फिर ऐसे केस में क्या, इनको पहले मिक्स होके सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम करना पड़ेगा, जितने भी इनके ऑर्बिटल हैं जो कि ओवरलैप करने वाले हैं उनका पहले एनर्जी क्या होना पड़ेगा, सबका सेम होना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, साइड वाले का नहीं, साइड वाले का प्योर और एक ही ऑर्बिटल आएगा ओवरलैप करने, वो भी प्योर होगा। यस हाँ, बिकॉज हम हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का ही देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेंट्रल एटम के ही देखेंगे। बट एक स्ट्रक्चर और ले लो, HCF6।
Yes, that's so. चलो ये होमवर्क में ले लो क्योंकि हो नहीं पाएगा, बहुत टाइम लगेगा. तो ये होमवर्क रहेगा. तो ओवरलैपिंग जो है डिफिकल्ट हो जाती है. या सबका सेप भी अलग है, ऐसे भी सोचो कि सबका सेप अलग है. आवाज आ रही है अभी? तो हमारे पास एस ऑर्बिटल का सेप अलग टाइप का है, पी ऑर्बिटल का सेप अलग टाइप का है. तो अलग अलग टाइप का सेप था. तो उसमें जो हाइब्रिड हमारे पास जो ओवरलैपिंग है थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का रहेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. ऊपर से क्या इनका एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट है. तो इसकी बजाय अगर उनका सभी का सेप सेम हुआ ना, जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम के जो कि ओवरलैप करने वाले हैं, अगर उनका सबका सेप एक जैसा हुआ तो ओवरलैपिंग इजी होगी. ओके, तो सेप सेम कब होगा? जब उनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, नए ऑर्बिटल बनेंगे. तो नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं सबका सेप सेम ही होता है. ओके, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम देखें तो एक हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन पहले की बात करें BCl2 में, जैसे तो BCl2 में क्या एक b का ऑर्बिटल था, मतलब एक s का ऑर्बिटल था और एक p का ऑर्बिटल था. ठीक है, तो एक स्फेरिकल था और दूसरा क्या था, एक्सेल वाला था या डंबेल टाइप का था. तो इसकी बजाय दोनों क्या है, मिक्स हुए और दो नए ऑर्बिटल बने और दोनों नए ऑर्बिटल एक जैसे. ठीक है, तो जो नए ऑर्बिटल बने उनका ओवरलैपिंग इजी है. बोलो सर. आप बोल रहे हो अगर एस और पी अलग अलग होते तो ओवरलैपिंग डिफिकल्ट होता, मतलब उसका क्या मीनिंग होगा कि डिफिकल्ट होगा, मतलब ओवरलैपिंग लाइक डिफिकल्ट मतलब उतना इजी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा ना अपने पास, क्योंकि कैसे कैसे करेगा. जैसे अगर हम एग्जांपल ही ले, हमने जैसे लास्ट टाइम भी किए थे कि हमारे पास जैसे CH4 वगैरह में हम कर रहे थे, बहुत सारे हमने एग्जांपल लिए थे. जैसे CH4 में हमने ऐसे लिया था, तीन ऐसे हो गए ऐसे, तो कहाँ कहाँ से अपने पास ओवरलैप करने आ रहे थे, कितना वो देखो ना, वो ओवरलैपिंग कितना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ओवरलैपिंग था. यस सर, यस. ठीक है, बट अगर हम लाइक चार हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैप कराएंगे तो बहुत इजी पड़ेगा ओवरलैपिंग करने में. ओके, यस सर, यस सर. इसका डिटेल रीजन हम बाद में पढ़ेंगे. डिटेल रीजन तो एक तो ये है, दूसरा ये मैं बोल सकता हूँ कि हमें जो एक्सपेरिमेंट, अब देखो अगर तुम सी एस फोर में या एन एस थ्री में ही, चलो एन एस थ्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं. एन एस थ्री में अगर तुम विदाउट हाइब्रिडाइजेशन जाते हो ओवरलैपिंग करते, ठीक है, सो एन एस थ्री में तीन पी ऑर्बिटल थे जो कि हमारे पास क्या ओवरलैपिंग करने वाले थे. ठीक है, तीन पी ऑर्बिटल थे, तीनों एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर थे. ठीक है, अब इनके साथ ओवरलैप करने कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है. ठीक है, अगर हम विदाउट हाइब्रिडाइजेशन जाएंगे तो यहाँ पर फिर बॉन्ड एंगल जो है कितना होना चाहिए यार, 90 डिग्री होने चाहिए तीनों बॉन्ड के. बट एक्सपेरिमेंटली देखा कि यार 90 डिग्री नहीं होता है. यस सर, समझ आया? ठीक है, तो मतलब इस टाइप से ओवरलैपिंग नहीं होती. ओके, सो इस तरह से एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिली, उस ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक नई थ्योरी दे दी, उस थ्योरी का नाम हाइब्रिडाइजेशन. ओके सर, ओके, क्लियर है? यस सर. तो एक्सपेरिमेंटली हमने ढूंढा कि ऐसी चीजें होती हैं. हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने जस्ट ऑब्जर्वेशन देखी, उसके ऊपर हमने एक थ्योरी दी है. मे बी ये थ्योरी रॉन्ग हो, हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी जो है ये मे बी रॉन्ग हो, हमें नहीं पता है. बट हमारी चीज को सेटिस्फाई करे. केमिस्ट्री यार मेनली हाइपोथेटिकल पार्ट. ठीक है, हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट से, उसके बेसिस पर हमें एक थ्योरी पकड़ा दे रहे हैं. ओके सर, ओके सर. और ओके, हाउ विल, हाँ बोलो सर. एंड हाउ, जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, हाउ विल वी नो दैट व्हिच ऑर्बिटल विल हाइब्रिडाइज विद ईच अदर, वो कैसे हम कंफर्म करेंगे? नहीं तो वो तो अभी देख लिया ना हमने कि हमारे पास वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल हैं. ठीक है, और वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल, उसके बाद बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे आ रहा है ना अपने आप ही.
ठीक है, अच्छा सिग्मा ओके बॉन्ड सर, बनाने में मतलब बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वो पता चले, फिर लोन पेयर बच गए, तो ऑब्वियसली लोन पेयर भी वहां पर हाइब्रिडाइजेशन मतलब लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे, समझ तो आया? वो पैटर्न ऑब्जर्व करके हम फिर बोल सकते हैं ना। मतलब ये भी चीज एक्सपेरिमेंटली है ना, जैसे NH3 में अगर तुम जैसे देखो तो अगर 3p ऑर्बिटल नहीं रहते, अगर हम लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते, समझ रहे हो, जैसे NH3 हमारे पास एक लोन पेयर थ्री तीन तीन इलेक्ट्रॉन होते, तो अगर हम लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसिडर नहीं करते तो 3 प्योर ऑर्बिटल ही रहते ना, और 3 प्योर ऑर्बिटल ही रहते तो बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री आता, ठीक है, मतलब वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, वहां पर उसका जो एस ऑर्बिटल है ना वो भी आ रहा है जिसमें लोन पेयर है। सर नहीं, आपने क्या बोला समझा नहीं मैं, क्या अरे NH3 का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, NH3 का जो एग्जाम्पल था उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट किए कि नहीं कि हमने, या ये लोन पेयर जो है उसको भी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही कंसिडर कर रहे हैं। नहीं सर, उसको निकाल देते हम, फिर शेप देखते। अरे शेप की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन में हम ये 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल को ले रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यस सर, यस अगर ले, अगर मैं इसको नहीं लेता, ये 3 ऑर्बिटल ही हमारे पास होते तो दैट इज नॉट हाइब्रिडाइजेशन, ये तो प्योर ऑर्बिटल हो जाते, ठीक है, यस और सर, प्योर ऑर्बिटल हो जाते तो ये वाली चीज होती और ये वाली चीज तो होती नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यस क्या है सर, कि यहाँ पर लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो लोन पेयर हमारे पास पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि लोन पेयर जो है जनरली एस में रहेंगे या पी में रहेंगे, तो एस और पी जो है जैसे इसमें एस में है और ऑक्सीजन में पी में भी है, ठीक है, तो हर हाइब्रिडाइजेशन में एस और पी तो आ ही रहा है ना, ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एस पी नहीं आ रहा है, विदाउट एस कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं ना। यस सर, सर तो फिर ये सब एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट। हमें ऑब्जर्वेशन मिले उसके बेसिस पर हमने थ्योरेटिकल ये दिए, हाइब्रिडाइजेशन अच्छा जो है थ्योरेटिकल ओके, कॉन्सेप्ट, तो इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ये हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सर सर हाँ हेलो सर, तो हम ऐसे नहीं कमेंट कर पाएंगे ना कौन से ऑर्बिटल कौन से के साथ करते, हमें जो पैटर्न आपने दिया है वो देख के हम कर सकते, क्योंकि हमको वैसा मतलब मिला हुआ है एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व जो भी किया हो। हाँ मतलब अभी जो मैंने बता दिया उसी उसी चीज को तुम फॉलो करो कि इतने वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन इसमें से बॉन्ड बनाने में इतने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल करके हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालो, हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा, देन शेप एंड ज्योमेट्री वगैरह सब आ जाएगी, ठीक है ओके, ऐसे नहीं कमेंट करना। ओके सर, ठीक है। सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, वो होमवर्क रहेगा जो हमने दिया है। बाय, टेक केयर।